आपको बता दें गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की राज्य स्तरीय अहम बैठक जारी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद हैं। जनसेवा के 8 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर ये बैठक की जा रही है और कृषि मंत्री जेपी दलाल, खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सांसद रतन लाल कटारिया और दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक जारी है और आपको यह भी बता दें कि बैठक में महासंपर्क अभियान चलाने पर चर्चा की जा रही है। जनसेवा के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया है, सरकार की तरफ से रखा गया है कि किस तरीके से जनसेवा के 8 साल पूरे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे इस बैठक को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है? तो देखिए, अभी बैठक चल रही है, लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से जो मई महीने में मोदी सरकार को 8 साल होने वाले हैं उसको कैसे भव्य बनाया जाए, इसको लेकर। हालांकि अनिल विज ने तमाम मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखे हैं, अपने विचार रखे हैं। मसलन की पंजाब के अंदर जो कल दंगे हुए थे पटियाला के अंदर, उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने पहले ही अंदेशा जताया था कि बॉर्डर स्टेट इलाके में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो खतरनाक साबित हो सकती है। जो कहीं ना कहीं पटियाला में कल जिस तरह से स्थिति देखने को मिली थी उससे यह स्पष्ट जरूर होता है कि आम आदमी पार्टी जो है खालिस्तानी समर्थक नजर आ रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक जारी है और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि बैठक में महासंपर्क अभियान चलाने पर भी चर्चा की जा रही है।